जो था वो दक्षिण प्रजापति, शायद आपको मालूम भी हो इसका इतिहास। फिर आगे अश्विनी कुमार थे, उन्होंने लिया, ठीक है। ऐसे ही देवताओं ने तो लिया, अश्विनी कुमार वगैरह ये सब देवता थे, देवतागण थे, इनको मिला वहां से ब्रह्मा जी से। फिर उसके बाद जो धरती पर थे, धरती पर कुछ ऋषि मुनि थे, ठीक है, जिनमें से भारद्वाज ऋषि भी थे, ठीक है। ऐसे फिर वो गए थे, ये भी हम अभी इसी अध्याय में, पहले अध्याय में ही पढ़ेंगे, वो गए थे यहाँ ज्ञान लेके आए। फिर आके उन्होंने जब ज्ञान सबको दिया, तो उनमें से आत्रेय एक थे, जो ऋषि जी थे आत्रेय, उन्होंने अपने 6 जो शिष्य थे उनको ये ज्ञान दिया था। उन 6 शिष्यों में से आगे एक शिष्य थे अग्निवेश जी, जो बड़े इंटेलिजेंट थे, जैसे हम कहते हैं ना कि टीचर है, तो टीचर सबके द्वारा उसमें से जो एक स्टूडेंट था, उनका बढ़िया शिष्य था, वो अग्निवेश जी थे। तो उन्होंने फिर एक ग्रंथ लिखा था अपना, अग्निवेश संहिता लिखी थी। तो उस अग्निवेश जी का जो तंत्र था, उसको प्रति संस्कार संस्कृत किया था, मतलब उन्हीं की जो जो उनका जो शास्त्र है उसको लिखा था, वो चरक जी ने लिखा था, जो महर्षि चरक थे। तो जो महर्षि चरक थे, ये भी कपिल प्रदेश जो है माना जाता है। अब आपको भी ये सोच के पता लगेगा कि जो कपिल देश है, वो यहीं का ही, पंजाब का ही माना गया है, जलंधर कपूरथला इसी रेंज में ही कपिल देश जो है वो माना गया था। तो चरक जी का नाम जो है, वो चरक क्यों पड़ा, क्योंकि वो चलते थे, चल चल कर उन्होंने घूम घूम कर जो है सारा प्रणाम प्रणाम किया प्रणाम था। प्रणाम जी, तो ऐसे है। तो इसमें जो है अध्याय हम बताएंगे, कितने अध्याय हैं पूरे चरक के अंदर। चरक जो है, ये पार्ट जो है मेडिसिन का है, इसमें सर्जरी नहीं आती, इसमें सारी मेडिसिन आती है, ठीक है। औषधि जो सारा बताना है वो चरक है। और जो सुश्रुत है, महर्षि सुश्रुत जो थे, वो थे उसके सर्जरी की जो है, फादर ऑफ सर्जरी, देखो जो हमारे एलोपैथिक डॉक्टर हैं वो भी मानते हैं कि जो फादर ऑफ सर्जरी थे वो सुश्रुत थे। तो जो फादर ऑफ मेडिसिन हमारे जो हैं, हमारे क्या कहते हैं इंडिया के, भारत के हैं, वो चरक हैं। तो इसमें जो अध्याय हैं वो आप नोट कर लें, चाहे 120 अध्याय टोटल हैं हमारे पास, ठीक है। इनको 2 भागों में हमने विभाजित किया हुआ है। एक तो चरक का है, एक भाग है जिसको हम पूर्वाद कहते हैं। पूर्वाद यानी जो फर्स्ट का प्रीवियस, फर्स्ट पार्ट जो है वो पूर्वाद है। जो दूसरा पार्ट, सेकंड पार्ट है, वो उत्पाद हम कहते हैं, ठीक है। तो ऐसे 2 पार्ट हैं चरक के, ठीक है। तो जो पूर्वाद है उसमें हमारे पास चैप्टर्स जो हैं, 1 60 चैप्टर 1 है, अध्याय 60 अध्याय 1 है, ठीक है। 60 में से 30 जो है वो सूत्र स्थान के आप लिख लें। जो पूर्वाद है उसमें सूत्र स्थान के जो है वो 30 अध्याय सूत्र स्थान के हैं। ऐसे ही निदान स्थान है, निदान स्थान के 8 अध्याय हमारे पास निदान स्थान के हैं। ऐसे ही विमान स्थान है एक, उसमें भी 8 अध्याय विमान स्थान के हैं, ठीक है। और शरीर स्थान है हमारे पास, शरीर स्थान के भी 8 अध्याय हैं, ठीक है। और उसके बाद लास्ट में है इंद्रिय स्थान, इंद्रिय स्थान के हमारे पास 12 चैप्टर जो है वो हो गए। तो हमारे टोटल कितने हो गए, 12 8 20, 20 और 8 आगे 28, 28 और 8 कितने हो गए, 36, 36 और 30, ठीक है। 6 पहले हमारा जो पूर्वाद है इसमें 6 है, बाकी के अध्याय जो है वो हमारे उत्तराद, ठीक है। थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी हम ये कर लेंगे, कौन कौन से अध्याय, ये भी बहुत जरूरी है, हमको मालूम होना चाहिए कि क्या क्या नाम है अध्याय का। फिर ऐसे एक हमारे पास, जब भी हम कोई आगे शुरू करेंगे, आगे आगे चलेंगे चैप्टर में, तो हमको पता लगता रहे कि हम कौन सा चैप्टर जो है चला रहे हैं। तो सूत्र स्थान के 30 अध्याय हैं, जो उसमें से सबसे पहला अध्याय जो हम आज शुरू करेंगे वो है दीर्घन जीवती अध्याय, नोट कर लीजिए, दीर्घन जीवती अध्याय, ठीक है। दूसरा है अपमार, आप अगर रिकॉर्ड कर सकते हो, मेरा रिकॉर्ड भी कर लो। हाँ यस, अब ये रिकॉर्ड है, ये यूट्यूब में भी डाला जाएगा। हाँ चलो, आप रिकॉर्ड कर लो साथ में, ठीक
अपामार्ग कंडुली अध्याय है दूसरा अध्याय, तीसरा है अरगवद अध्याय, अरगवद एक प्लांट है उसके ऊपर है, फिर उसके बाद है षड विरेचन शताश्रिति अध्याय। षड विरेचन शताश्रिति मैं थोड़ी थोड़ी इंट्रोडक्शन देता रहूंगा काय का है, तो दीर्घन जीवित जो है वो जीवन जीना कैसे है रहना उसके बारे में है, जीवन को लंबा करने के लिए उसके लिए उसके बारे में बताया। अपामार्ग तंडलीय इसमें क्या है योग बताएं, एक अपामार्ग भी एक प्लांट है जिसको हम पंजाबी में पुठकंडा कहते हैं, ठीक है, तो ये एक प्लांट है उसके बारे में उसके योग बताए हैं। फिर अरगवद अध्याय जो जिसे हम अमलतास की फली है वो उसके ऊपर है, फिर उसके बाद अगला है षड विरेचन शताश्रित, ऐसे जो 600 द्रव्य जो है जो चरक ने बताया, चरक जी ने बताया था कि 600 द्रव्य जो हमारे द्रव्य गुण के हैं उसके बारे में बताया। ऐसे एक मात्रा शीति अध्याय है, कितनी मात्राएं क्या क्या यूज करनी है, ऐसे एक तस्य मात्रा शीति के बाद तस्य शीति अध्याय, तस्य शीति है जो कि ऋतुओं के अकॉर्डिंगली बताया हुआ है। फिर है एक सातवां अध्याय है नाविगान धारणीय, नाविगान धारणीय कौन कौन से विघ्नों को हमको रोकना नहीं चाहिए, ठीक है। फिर ऐसे है इंद्रियोपक्रमणीय अध्याय, ठीक है, एक है खुडाक चतुष्पाद अध्याय, फिर खुडाक चतुष्पाद है इसमें बताया गया कि चतुष्पाद डॉक्टर होना चाहिए, रोगी का क्या गुण होने चाहिए उसके बारे में बताया, महाचतुष्पाद अध्याय बताया है, ठीक है। फिर एक अध्याय है त्रिश्रेष्ठणीय अध्याय, ठीक है, इसकी डिटेल बताते रहेंगे बाद में, जो जो मेरे को अभी फिलहाल बता सकता हूँ जो मैं बता देता हूँ। वात कला कली अध्याय, वात के बारे में ही सिर्फ बताया कि वात क्या करता है। स्नेहाध्याय, स्नेहन किस तरह के हैं, अलग ओलिगेशन जिसको एक्सटर्नल ओलिगेशन कह सकते हैं, इंटरनल ओलिगेशन जो स्नेह हम यूज करते हैं, जैसे हम घृत बनाते हैं ये स्नेह की कैटेगरी में आता है वो है। स्वेद अध्याय है जो हम स्नेह अध्याय में भी अभ्यंग हम करते हैं, मालिश करते हैं, वो स्नेह अध्याय में भी आती है। स्वेद अध्याय है हम स्वेटिंग देते हैं, किस तरह अलग अलग प्रकार की स्वेटिंग है देनी है, जो स्टीम देनी है उसके बारे में है। फिर उपकल्पनीय अध्याय है, औषधियों की कल्पना कैसे करनी है उसके बारे में। फिर चिकित्सा प्रावृत्तीय अध्याय है एक, ठीक है। फिर है कियंते शिरस्य अध्याय, कियंते शिरस्य यानी शिर रोग के बारे में ही कितना सारा बताया है। फिर त्रिशोथे अध्याय, त्रिशोथ शोथ होता है स्वेलिंग, उसके बारे में बताया है। आप एक मिनट जरा रुकिए, मेरे पास ना पेशेंट आया, दो मिनट बाद। हाँ तो मैं आ रहा था, अगला अध्याय हमने सतारवां अध्याय पहुंचे थे कि अंते शिरस्य अध्याय उसमें आए थे। उसके बाद हमारे पास है त्रिशोथी अध्याय, मैंने आपको बताया था शोथ के बारे में है। उसके बाद है एक अष्टोदरीय अध्याय, फिर है महारोग रोगाध्याय, ये 20वां अध्याय है। फिर 21वां है हमारे पास अष्टोनिंदनीय अध्याय, ठीक है, अष्टोनिंदनीय अध्याय। आप सुन रहे हैं ना, मेरे को सुन रहे हैं ना सर जी? हाँ जी, आप मेरे को सुन पा रहे हैं? हाँ जी हाँ जी हाँ जी, आप बोलिए बोलिए। ठीक है। आ रही है, तो मैंने बीच में बंद कर दिया था ना। फिर है लंगण ब्रह्मणीय अध्याय, ये 22वां अध्याय है। फिर संतर्पणीय अध्याय है, ये 23वां अध्याय है। 24वां अध्याय है विधि शून्यती अध्याय, लिख लीजिए आप कहीं पे, आपको लगता है मेरे को बता देना। फिर है यज्ञ पुरुषीय अध्याय, 25वां अध्याय है।
26वां अध्याय है आत्रे भद्र काप्य अध्याय, ठीक है। 27वां अध्याय है अन्नपान विधि, अन्नपान की कैसे विधि, खाना पीना कैसे है, क्या क्या उसमें वर्ग आ जाते हैं, जैसे जल वर्ग है या खाने वाले अलग अलग शाक वर्ग ऐसे आ जाते हैं। फिर है विविध शीत पीति अध्याय, विविध शीत पीति अध्याय। फिर है दश प्राणायतन अध्याय, और लास्ट में 30th अध्याय है अर्थे दश महामूली अध्याय, ठीक है। तो अब हम इस पे भी ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, बस ये मैंने इसलिए आपको लिखवा दिए ताकि जब भी हम अध्याय करेंगे तो हमको थोड़ा सा पता हो क्या, ठीक है। तो सबसे पहला अध्याय हमारा जो है वो है दीर्घन जीवकीय अध्याय। मैं साथ साथ में पढ़ता रहूंगा और आपको समझाता रहूंगा बीच में क्या क्या लिखा है। ऐसे ही चलें कि मैं आपको सीधा सीधा लेक्चर दूं, कैसे कहते हो, साथ साथ में पढ़ के चलें? हाँ जी, हाँ जी, जैसे आपको अच्छा लगता है। ठीक है, ठीक है जी। तो सबसे पहले हम आ रहे हैं इसमें दीर्घन जीवित की अध्याय। इसमें क्या है, दीर्घ काल तक जीवन की इच्छा से उग्र तपस्वी भारद्वाज मुनि देवों के राजा इंद्र की शरण युग जानकर उनके पास गए। तो क्या था ये, इसमें सबसे पहले स्टार्ट में ये आता है कि ये जो है जितने भी ऋषि गण थे जो धरती के ऊपर थे, इन्होंने देखा कि भाई रोग बहुत से फैल रहे हैं धरती के ऊपर, तो रोगों को कैसे ठीक किया जाए, क्या किया जाए। तो सबने क्या कहते हैं, संभाषा परिषद करी। संभाषा परिषद होता है कि डिस्कशन अंतर, जैसे हम आपस में अभी बात कर रहे हैं, फिर एक ऐसी होगी जो कि हम डिस्कशंस करते हैं सब आपस में, उसमें हल निकालते हैं। तो ऐसे सभी ऋषि मुनि जो थे वो एकत्रित हुए। तो उनमें कौन कौन से ऋषि मुनि थे उसके बारे में भी बताएगा। इस शास्त्र का प्रयोजन क्या है, इस शास्त्र जो हम ये है चरक का, धातु साम्य है। धातु साम्य का मतलब क्या है कि जो हमारा शरीर है इसमें एक हम कहते हैं दोष धातु मल मूलम ही शरीरम। तो हमारा जो शरीर बना है कुछ चीजों से बना, दोष से बना है, धातुओं से बना है, मल मूल ही, मल यही हमारा मूल है जो बेसिक है हमारे शरीर का। दोष क्या है, वात पित्त कफ क्रोध को। और धातुएं जो है वो कौन सी है, 7 प्रकार की धातुएं, इसको हम इंग्लिश में अंग्रेजी में ये कह सकते हैं कि ये टिश्यू लेवल है। 7 प्रकार की धातु कौन सी, रस धातु, रक्त धातु, मांस धातु, मेद धातु, अस्थि धातु, मज्जा और शुक्र धातु। ये हमारी 7 धातु है जो टिश्यू लेवल, जिसको हम टिश्यू लेवल का मतलब जो अलग अलग तरह के हमारे शरीर में जो सेल है, ठीक है ना। तो ये धातुएं जो है ये अपनी नॉर्मल अवस्था में रहनी चाहिए, साम्य अवस्था में रहनी चाहिए। और जो हमारे दोष हैं, जो वात पित्त कफ है हमारे शरीर में, वो भी अपनी नॉर्मल अवस्था में रहने चाहिए, ठीक है, साम्य अवस्था में। तो ये शास्त्र का प्रयोजन है धातु का साम्य करना, ठीक है ना, उसको नॉर्मल स्टेट में रखना, ठीक है। तो जब हम भी ये शास्त्र पढ़ते थे तो हमारे जो टीचर ने, उन्होंने साथ साथ में एक इंग्लिश की भी डेफिनेशन दी थी कि होम्योस्टेसिस। अगर हम मेडिसिन का, डेविडसन का या हम हैरिसन का पहला पेज पढ़ेंगे ना, तो वहां पे भी लिखा है कि हमारे शरीर में होम्योस्टेसिस होना, होम्योस्टेसिस यानी स्टेट ऑफ स्टेबिलिटी होना, वो बहुत जरूरी है, ठीक है। तो देखो एलोपैथी वालों ने हमको, हिप्पोक्रेटस ने हमको ही पकड़ लिया था, इतना चलाक था, यहाँ पे आके हमारा ज्ञान लेके अपनी जो है इन्होंने कहानियां फिर अपनी ही वो साइंस बना के हमारे आगे पेश कर दी। तो देखो कितने पहले ही हमारे इन्होंने बताया था कि धातु साम्य वो करना हमारे इस शास्त्र का प्रयोग। आरंभ में ब्रह्मा जी यथावत आयुर्वेद का उपदेश किया, उसको प्रजापति ने पूर्ण रूप से ग्रहण किया। ये बता रहे हैं कि आयुर्वेद किसने दिया था, ब्रह्मा जी ने। दक्ष ने, फिर दक्ष प्रजापति ने क्या किया था, अश्विनी कुमारों को ये दिया। अश्विनी कुमारों से इंद्र ने ग्रहण किया। इंद्र जो थे देवराज इंद्र, उन्होंने कहाँ से लिया था, अश्विनी कुमारों। इसी कारण ऋषियों से प्रेरित होकर भारद्वाज मुनि इंद्र के पास गए। ठीक है, जितने भी ऋषि मुनि जो थे उन्होंने भारद्वाज ऋषि जी को कहा कि भी आप जाए। आगे पढ़े हम, जब तप, उपवास, ब्रह्मचर्य, अध्ययन, व्रत और आयु इनमें विघ्न करने वाले रोग उत्पन्न हो गए, तब प्राणियों पर दया करके पुण्यात्मा महर्षि गण पवित्र हिमालय के पार्श्व में करते। और ये सबसे अच्छी बात थी कि जब आजकल तो हम सेमिनार करते हैं, तो पहले ये जितनी भी संभाषा परिषद करते थे, जो भी सेमिनार करते होते थे, ये सीधा जाके हिमालय में करते थे, क्योंकि वहां का माहौल अच्छा था, वहां की जो हवा जो थी बहुत अच्छी थी। तो देखो ऋषि मुनि जाते ही वहां पर थे,
ठीक है, प्रैक्टिकली पूरा काम करते थे कि अगर वहां पे उन्होंने नॉलेज भी लेनी है, आसपास उनके पास हर्ब्स जो थी, जितने प्लांट्स थे वो थे, ठीक है। आगे क्या है, अब कौन कौन से ऋषि मुनि गए, देखो अब इसके बारे में भी बताया हुआ है चरक में। अंगिरा, जमदग्नि, वशिष्ठ, हमको पता भी होंगे कई ऋषियों के तो नाम, हमको उनके पीछे इनके वो भी हैं, गोत्र भी हैं। कश्यप, भृगु, भृगु भी गए, आत्रेय गए, गौतम, फिर सांख्य, पुलस्त्य, नारद, असित, अगस्त्य, नारद ऋषि वो जो नारद मुनि है, हमें वामदेव, मार्कंडे, अश्वलायन, पुष्टि, भिक्षु, आत्रेय, फिर एक और दो दो आत्रेय है, भारद्वाज, कपिंजल। ये जितने भी ऋषियों का मैं नाम लूंगा ना, ये जब आगे हम चरक पढ़ेंगे ना, इनकी संभाषा परिषद में जो जितनी भी ये डिस्कशन दिखा बताते हैं चरक में कहीं कहीं, तो ये सभी ऋषियों का नाम होगा बीच में। कपिंजल, विश्वामित्र, अश्वरथ्य, भार्गव ऋषि, च्यवन ऋषि, जिनके नाम पर च्यवन प्राश बना था, ठीक है, उन्होंने ही बनाया था। अभिजीत, गार्ग्य, शौंडिल्य, कौंडिल्य, वाक्षी, देवल, गालब, संकृत्य, वैजवापी, कुशिक, बद्रायण, बडिश, शर्लुमा, कात्य, कात्यायन, कंकायन, कंकायन ऋषि है, उनके नाम से एक वटी है, कंकायन वटी, ठीक है। कैक्षय, धौम्य, मरीचि, काश्यप ऋषि, शर्कराक्ष, हिरण्याक्ष, शर्कराक्ष जिनकी, हिरण्याक्ष जिनकी आंख जो है हिरण जैसी थी, यानी कि जो फॉरेन के भी थे ये, ये एक देश के ऋषि, तब ऐसे नहीं थे कि ये सिर्फ भारत देश के थे, अलग अलग जो है पूरी धरती में से अलग अलग जगहों से ऋषि आए थे। देखो हिरण्याक्ष जिसकी आंख हिरण जैसी थी, लोकाक्ष, पेंगी, पेंगी जैसे हम चाइना मान लेते हैं ऐसे भी थे, शौनक, शकुने, मैत्रे, कैमतायग्नि, वैखानस, बाल खिल्ले और अन्य, ब्रह्म ज्ञान, ये ब्रह्म ज्ञानी थे एक तरह से, यम, नियम और तप के तेज से चमकते हुए, आहुति से उज्जवल अग्नि के समान तेजस्वी महर्षि लोग वहां सुख से विराज कर इस पुण्यशाली कथा को इस प्रकार कहने लगे। अब उन्होंने क्या कहा, आपस में बैठ के वो डिस्कशन करने लगे, क्या कहते, कहते जी धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, हमारा प्रयोजन क्या है, ये तो शास्त्री जी अच्छी तरह जानते हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। अब क्या है धर्म, क्या है उसकी परिभाषा है कि राइट पाथ पे चल के अर्थ उसमें से हमको पैसा कमाना है और काम अपनी डिजायर्स को पूरी करना है और मोक्ष की प्राप्ति, ठीक है, यही है। इन चारों पुरुषार्थों का मूल कारण, जो मूल है कारण है वो क्या है, आरोग्य ही है। मतलब कि अगर हम स्वस्थ रहेंगे तभी हम धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति तभी करेंगे अगर हम स्वस्थ रहेंगे। रोग इस आरोग्य अभ्युदय तथा जीवन को नाश करने वाले हैं, तो रोग हम इसको ही नाश करते हैं, खराब करते हैं, हमारे जो अभ्युदय मार्ग है इसको नुकसान करते हैं। मनुष्यों के लिए ये रोग बड़े विघ्न रूप हो गए हैं, इसलिए इन रोगों की शांति का उपाय क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए इसका उपाय। ऐसा कहकर वे सब ऋषि ध्यान मग्न हो गए। उन्होंने अंतश्चक्षु से इंद्र को अपने को शरण देने वाले के रूप से देखा और जान लिया कि देवों का राजा इंद्र ही शांति का उपाय करेगा। उन्होंने अपने बैठे वहां पे संभाषा पर, तो अपने ब्रह्मज्ञानी थे, उन्होंने इंद्र जी से उन्होंने सारा अंदाजा लगाया कि ये जो इंद्र ही हमारा हल कर सकते हैं, और तो कोई कारण नहीं है, और तो कर नहीं सके, क्या करें। फिर प्रश्न उपस्थित हुआ कि प्रजापति इंद्र से पूछने के लिए इंद्र के भवन के तक जाए कौन। ऋषि भारद्वाज ने सबसे प्रथम कहा कि इस कार्य में मुझको नियुक्त किया जाए, इसलिए आंगरा आदि ऋषियों ने भारद्वाज ऋषि को भी इस कार्य में नियुक्त कर दिया। उन सबने कहा कि ये सबसे इंटेलिजेंट है तो हम इनको ही भेजते हैं, जल्दी शास्त्र का ज्ञान लेके तो वापिस आ जाएंगे। इंद्र के भवन में जाकर उन्होंने देव ऋषियों के मध्य में प्रदीप्त अग्नि के समान तेजस्वी बल नामक असुर को मारने वाले इंद्र देवता के पास, मतलब वो चले गए जो थे भारद्वाज। बुद्धिमान भारद्वाज ने इंद्र के सम्मुख जाकर जय सूचक आशीर्वादों से इंद्र का अभिनंदन करके ऋषियों का उत्तम यचन प्रस्तुत किया। उन्होंने जाके अपनी बात कही कि ऐसे ऋषि मुनियों ने सबने मुझे ऊपर भेजा है, आपके पास भेजा है। हे अमर प्रभु, सब प्राणियों को भय देने वाले व्याधियां उत्पन्न हो गई है, इसलिए आप इनकी शांति का उपाय उपदेश करें। उन्होंने कहा कि ऐसे उपाय दीजिए जी, क्या करें। भगवान इंद्र ने महर्षि भारद्वाज को महामति जानकर थोड़े ही शब्दों में संक्षेप से आयुर्वेद का उपदेश दिया। तो
देखो ये भी कितनी अच्छी बात थी कि वो कितने इतने ज्यादा वो ज्ञानी थे कि भी थोड़े शब्दों में ही सारा आयुर्वेद ये तो अब जो है सारे श्लोकों से लिखी हुई है ना, तो मैं आपको अर्थ ही पढ़ के बता रहा हूँ जो इसमें इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट जो वो होंगे श्लोक मैं आपको बताऊंगा, उनके साथ में श्लोक भी बोलूंगा अर्थ भी। तो उन्होंने सारा संस्कृत की सब नॉलेज थी, अब तो है ही नहीं जैसे, तो संस्कृत से ही सारा उन्होंने उसी भाष्य से लिपिबद्ध करके जैसे पोएट्री होती है वैसे ही उन्होंने सारा समझ लिया। तो सबसे पहला क्या है, हेतु रोगों का कारण, लिंग रोगों के चिन्ह, औषधि संशोधन और संशमन रूप चिकित्सा, स्वस्थ एवं रोगी दोनों के लिए परम गति, और जिस का पितामह ब्रह्मा ने प्रथम ज्ञान किया था उस तीन सूत्र वाले पुण्य श्रेष्ठ और नित्य सनातन आयुर्वेद का इंद्र ने उपदेश किया। अब क्या है ये त्रिसूत्र है आयुर्वेद, क्या है त्रिसूत्र भी कहते हैं इसे, हेतु लिंग और औषधि। हेतु क्या है कि हमने ये देखना है रोगों का कारण क्या है, ठीक है। दूसरा है लिंग, रोगों के चिन्ह लक्षण क्या है, ठीक है। उसके बाद तीसरा है औषधि, औषधि में क्या 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 आ जाता है, संशोधन चिकित्सा और संशमन चिकित्सा। अब ये संशोधन चिकित्सा क्या है, संशमन चिकित्सा क्या है। संशोधन चिकित्सा हम कह रहे हैं कि पंचकर्मा करते हैं आजकल, पंचकर्मा करते हैं, जो पंचकर्मा की चिकित्सा थी वो संशोधन चिकित्सा थी। संशोधन चिकित्सा मतलब अर्थ ये था कि जितने भी दोषों से ही रोग हो रहे हैं, दोष जब इम्बैलेंस होते हैं हमारे तो वो रोग होते हैं, तो उन दोषों को सुव्यवस्थित करने के लिए, उनको नॉर्मलाइज करने के, वही होम्योस्टेसिस स्टेज में लाने के लिए पंचकर्मा एक बहुत ही बढ़िया थेरेपी थी। आप शायद ये भी सुनते होंगे कि पुराने जमाने में क्या करते थे, कोई वैद्य थे, वैद्य के पास आया पेशेंट तो कहते थे जा ये ले ले, ये दवाई ले ले, तेरे को जुलाब लग जाएंगे, सफाई हो जाएगी, तेरा रोग ठीक हो जाएगा। तो वो क्या था, वो पीढ़ी के बेस पे वो पंचकर्मा, हमारे पास जो पंचकर्म है वो क्या, वो एक अलग सा टॉपिक है, फिर भी थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी में आपको बता देता हूँ। वमन है, विरिचिन है, ठीक है, शिरो बस्ती है और शिरो विरिचिन, ये जो है इनको पंचकर्मा की नस्य है, इनको पंचकर्मा की कैटेगरी में डालते हैं। इससे क्या होता है, इन प्रोसेसेस को करके, वमन करके यानी कि हम मेडिकली वॉमिटिंग करवा के या मेडिकली विरिचन यानी दस्त दिलवा के, ये सब करने से शरीर की एक सर्विसिंग हो जाती है, शरीर में से जितने दोष जो हैं खराब हुए हैं, ठीक है, बड़े हुए हैं या कम है, वो सारे बाहर निकल जाते हैं और शरीर जो है ठीक हो जाता है नॉर्मल। ये संशोधन चिकित्सा थी। और सर आपने तीन पॉइंट कौन कौन से बताए, हाँ जी तीन पॉइंट अभी बताए जो, कौन कौन से बताए सर, हेतु लिंग औषधि, केतु हेतु 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 लिंग और औषधि, लिंग और औषधि, ठीक है, ये त्रिसूत्र माने गए ना, ठीक है ना। हेतु यानी रोगों का कारण क्या है, ठीक है, लिंग हो गया रोगों के चिन्ह क्या है, लक्षण क्या है रोगों के, ठीक है। और औषधि में दो तरह की औषधि है, संशोधन औषधि और संशमन। संशमन यानी कि जो हम ओपीडी में जो दवाइयां देते हैं, ठीक है ना, वो संशोधन चिकित्सा है। अच्छा सर एक महादेव का सीरियल आता है उसमें जैसे ये जो आपने जितने भी बताए ना ऋषि मुनि ये सारे उसमें दिखाए हुए हैं, बट उसमें जो भारद्वाज ऋषि को जो बताते हैं ना कि वो ऐसे दिखाते हैं कि महादेव ने उनको दिया था ज्ञान, तो ऐसा भी है क्या सर कि महादेव भी इन्वॉल्वमेंट थे इसमें, इन्वॉल्वमेंट थी उसमें? नहीं, महादेव जी की इन्वॉल्वमेंट है शिव जी की, शिव जी की इन्वॉल्वमेंट है सर्जरी में। अच्छा हाँ जी, शिव जी जो है ना वो सुश्रुत संहिता, शिव जी जैसे ब्रह्मा जी से ज्ञान लेके ये मेडिसिन में आए थे, शिव जी से एक अलग ज्ञान है वो सुश्रुत में आ जाता है ना, शिव जी ने ज्ञान के दिया था आगे करते करते फिर वो सुश्रुत जी ने उसको पकड़ा था। वो देवदत्त धनवंतरी देवता का जो स्टोरी है, धनवंतरी देव जो थे वो सुश्रुत वो सर्जरी में थे, उनका सर्जरी में जाना जी ना। जब धनवंतरी, इसकी भी मैं आपको निकाल के दूंगा, अभी तो चलो हम चरक कर रहे हैं, इसमें से मैं आपको ढूंढ के दूंगा कि एक जो चरक संहिता कैसे तैयार हुई थी और सुश्रुत संहिता कैसे तैयार हुई थी। जब सुश्रुत संहिता तैयार हुई थी उससे पहले धनवंतरी जी आए थे, ठीक है, उन्होंने वो ज्ञान दिया था, ठीक है। तो जो सिर्फ मेडिकल पार्ट अकेला आया था वो चरक का आया था, ज्ञान तो वैसे इन सबको
ज्ञान तो इनको संपूर्ण आयुर्वेद का ज्ञान तो सबको ही था, लेकिन कहते हैं कि किसी की मास्टरी किस चीज में हो गई। जो धनवंतरी जी थे उनकी मास्टरी जो है वो सर्जरी में है, आगे फिर सुश्रुत जी उसको और उन्होंने उसको किया। ज्ञान तो सबने ही आयुर्वेद का ही लिया था, आयुर्वेद का तो एक ही ज्ञान है, उसमें वो भी आ जाती है, सर्जरी भी आ जाती है और वो भी आ जाती है, ठीक है। और जो भारद्वाज जी थे उनको उनको दोनों चीज का ज्ञान था, मतलब मेडिसिन का भी और उसका भी। हाँ 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 वो ये ना, अब ये भारद्वाज ऋषि अभी आगे मैं पढ़ूंगा ना, भारद्वाज ऋषि जी ने इन्होंने आगे फिर आत्रेय को भी जब ज्ञान दिया, अब आत्रेय के आगे छह वो थे शिष्य, ठीक है, उन शिष्यों ने फिर मेडिसिन में ही सारा किया ना। अब जो भारद्वाज जी है, भारद्वाज जी ने तो सारा ज्ञान लिया था, आपकी बात ही आप बिल्कुल सही कह रहे हो, बट भारद्वाज जी जब नीचे आए, आके उन्होंने सभी ऋषियों को ज्ञान दिया, सभी ऋषि में से एक आत्रेय थे, ठीक है, अभी आगे पढ़ेंगे हम यही। आत्रेय जी ने आगे अपने छह शिष्यों को ज्ञान दिया, ठीक है, वो जो छह शिष्य थे उनमें से अग्निवेश थे, फिर अग्निवेश की प्रति संस्कृतता वो थी वो चरक जी ने की थी, ऐसे हुआ, ठीक है, ठीक है, चलो। तो उस तीन सूत्र वाले पुण्य श्रेष्ठ और नित्य सनातन आयुर्वेद का इंद्र ने उपदेश किया, महामती भारद्वाज मुनि ने एकत्रित होकर इस अनंत और अगर और तीन स्कंदों वाले आयुर्वेद की यथावत शीघ्र ही संपूर्ण ज्ञान लिया। भारद्वाज मुनि ने इस त्रिसूत्र हेतु दोष और लिंग वाला अथवा त्रिसूत्र, त्रिसूत्र शब्द से यहाँ पे हेतु लिंग औषधि भी लिया है और इसको वात पित्त और कफ का ग्रहण भी करना चाहिए, दोनों करना चाहिए। त्रिसूत्र हेतु लिंग औषधि भी मानते हैं और वात पित्त कफ भी माना, ये आगे जो कमेंट देते हैं ना उसमें इन्होंने बताया कि आगे कमेंट जो देते हैं और भी आचार्य, उन्होंने बताया कि वात पित्त कफ भी ले सकते हो आप साथ में, लेकिन मेन जो है वो हेतुलिंग औषधि ही है, जो शास्त्रोक्त है वो हेतुलिंग औषधि ही, ठीक है। ज्ञान की चक्षुओं से ऋषियों ने, एक मिनट में थोड़ा सा बीच में छोड़ा है, ज्ञान की चक्षु से ऋषियों ने सामान्य विशेष गुण द्रव्य कर्म समवाय का यथावत पूर्ण रूप से दर्शन किया, ठीक है। अब वहां से ये लेके आए तो आगे ऋषियों ने क्या है, ये आगे ये फिर है सामान्य क्या होता है, विशेष क्या होता है, गुण क्या होते हैं, द्रव्य क्या होते हैं, कर्म क्या होता है, समवाय क्या है, का यथावत पूर्ण रूप से दर्शन किया, फिर उन्होंने ये सारा ज्ञान दिया, बताऊंगा आगे सामान्य विशेष क्या है, ये इसी में ही आएगा। इनको यथावत जानकर आयुर्वेद विधि से हितकारक पदार्थों का सेवन और अहितकारक पदार्थों का त्याग कर परम सुख आरोग्य दीर्घ जीवन प्राप्त किया। अब ये नॉलेज दी कि हितकर पदार्थ खाने चाहिए और अहितकर को नहीं खाना चाहिए, ठीक है, ये इसका ये ज्ञान सारा उन्होंने लिया। तत्पश्चात सब प्राणियों में मैत्री बुद्धि रखने वाले पुनर्वसु आत्रेय ने सब प्राणियों पर दया का अनुभव करके इस पवित्र आयुर्वेद का छह शिष्यों को उपदेश किया। अब बात यहाँ पे क्योंकि चरक की चलनी है, चरक जी की चलनी है, इसलिए बात वो सिर्फ आत्रेय पुनर्वसु आत्रेय जी जो थे उनका नाम पूरा था पुनर्वसु आत्रेय, दो तरह के आत्रेय है ना, एक इनका जिन्होंने ये पर्टिकुलर जिन्होंने अपने छह शिष्यों को बताया उनका नाम था पुनर्वसु आत्रेय, ठीक है। इन्होंने अपने छह शिष्यों को ये ज्ञान दिया, कौन कौन से थे वो छह शिष्य, अग्निवेश थे, भेड़ थे, जतुकर्ण, पराशर, हारित और क्षारपाणी। इन छह शिष्यों ने मुनि से उस उपदेश वचन को ग्रहण किया, ठीक है, उन्होंने फिर आगे ये ग्रहण किया। अग्निवेश की बुद्धि विशेष थी, मुनि आत्रेय के उपदेश में कोई अंतर नहीं था, मतलब जो उपदेश आत्रेय जी ने दिया अग्निवेश जी ने बिल्कुल वैसे का वैसे, उनको सबसे इंटेलिजेंट थे ये कह सकते हैं। अग्निवेश ही सबसे प्रथम आयुर्वेद तंत्र का कर्ता हुआ, यही सबसे पहले इस तंत्र का जो है कर्ता है। इसके पीछे भेड़ आदि बुद्धिमान शिष्यों ने भी अपने अपने तंत्र बनाकर बहुत से ऋषियों के साथ विराजमान आत्रेय मुनि को सुनाए, फिर सबने अपने अपने सुनाए, भेड़ थे, हारित थे, क्षारपाणी थे, सबने सुनाया। पुण्यकर्मा अग्निवेश आदि ऋषियों द्वारा भली प्रकार से सूत्र रूप से गूंथे हुए आयुर्वेद शास्त्र को सुनकर वे बहुत प्रसन्न हुए, उन्होंने उसका प्रसन्नता से अनुमोदन भी किया, बड़े खुश हुए आत्रेय जी जब उन्होंने अग्निवेश जी को सुना कि
ही प्रकार से ग्रंथित गुथा हुआ है। सब प्राणियों पर दयालु उन ऋषियों की सब ने ही और अग्निवेश की सबने प्रशंसा की, उन्होंने वही कंठस्थ कर लिया बिल्कुल सही। सबने एक साथ उच्च स्वर से कहा कि आपने प्राणियों पर बहुत उत्तम रूप से दया की है। स्वर्ग में स्थित देवों के सहित नारद आदि देव ऋषियों ने भी उन परम ऋषियों के पुण्य शब्द को सुना। इसको सुनकर वे बहुत प्रसन्न हुए। समस्त प्राणियों ने हर्ष से अति स्नेह युक्त एवं गंभीर शब्द से साधुवाद किया। इस साधुवाद की ध्वनि आकाश में फैलकर तीनों लोगों को गुंजा दिया। सुखदायक वायु बहने लगा। सब दिशाएं प्रकाश से चमकने लगी। जल से भी दिव्य कुसुम बरसने लगे। तो ये बताया उस टाइम पे क्या हुआ। बुद्धि उपलब्धि साध्य साधन पूर्व अनुभूत अर्थ का स्मरण धारण करने की शक्ति मन की संतुष्टि यश अपकारी के प्रति अनपकार की इच्छा प्राणियों के दुख हटाने की इच्छा ये ज्ञान में देवता अग्निवेश आदि ऋषियों में प्रविष्ट हुए अर्थात ये शुभ गुण इनमें आए। महाऋषियों द्वारा अनुमोदित उक्त ऋषियों के शास्त्र लोगों के परम कल्याण के लिए पृथ्वी पर प्रतिष्ठा को प्राप्त हुए। तो ठीक है ये ऐसे ज्ञान जो है सबको हो गया। तो अब आयुर्वेद का बारे में हम पढ़ेंगे। अब ये तो सारी हिस्ट्री हो गई। अब क्या है आयुर्वेद का क्या लक्षण है ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। ये आप अगर लिख लें तो बहुत अच्छा है और नहीं पता लगेगा तो नेट पे भी देख सकते हो। फिर भी आप लिख लीजिए आयुर्वेद का लक्षण क्या है। आयुर्वेद कहते किसे हैं ये सब कई बार पूछते हैं कि आयुर्वेद क्या है जी। ठीक है तो ये श्लोक बहुत याद करते थे। हिता हितम सुखम दुखम आयुस्तस्य हिता हितम लिख लेंगे। आप लिख रहे हैं कि मैं बोल दूं सिर्फ जी सर लिख लेते हैं सर ये लिख लेते हैं हिता हितम सुखम दुखम हिता हितम सुखम दुखम आयुस्तस्य सुखम दुखम आयुस्तस्य आयु प्रैक्टिकल आयुर्वेद को समझने के लिए आइए ठीक है हर रोज नेक्स्ट लाइन है मानव चित्त आठ तच्च मानव च तच्च यत्रोक्तम आयुर्वेद लिंक में यत्रोक्तम आयुर्वेद जिसको संस्कृत पता होगी ना दह मतलब दो बिंदियां बाद में लगनी है स उच्चायते हिता हितम सुखम दुखम आयुस्तस्य हिता हितम मानव चित्तच यत्रोक्तम आयुर्वेद स उच्चायते। अब इसका अर्थ क्या है ये भी हम साथ में पढ़ते हैं ठीक है। हित अहित सुख और दुख ये चार प्रकार की क्या है हमारी आयु है। हितायु आहितायु सुखायु और दुखायु ये चार प्रकार से आयु है। इस आयु का हित अहित क्या है क्या चीज हितकर है क्या चीज अहितकर है जिसको कि हम पथ्य पथ्य कहते हैं। पथ्य यानी जो गुड फॉर अस एंड नॉट गुड फॉर अस क्या हमको खाना चाहिए क्या हमको नहीं खाना चाहिए ठीक है। और इस आयु का मान परिमाण ये सब जिस शास्त्र में कहा हो ठीक है ना आयु कितनी है जैसे हम जब पढ़ते थे बायोलॉजी में हम तो खैर मॉडर्न मेडिकल साइंस से क्लास टू तक बारहवीं तक पढ़ के आए फिर हमने दोबारा से आयुर्वेद शास्त्र को पढ़ा तो हम बड़ी जल्दी कंपेयर कर लेते हैं ठीक है। मान परिमाण क्या था कि हमको पता है कि जो हाथी है इस कितने इतनी देर तक जीता है वो इतने मतलब परिमाण क्या है। तो हमारा परिमाण क्या है ह्यूमन बींग्स का ये 120 साल वैसे तो शास्त्री जी को तो पता ही होगा 120 साल की कुंडली होती है। वैसे तो जो सतयुग था उस टाइम पे 400 वर्ष थी ठीक है। त्रेता युग में फिर 300 हो गई फिर 200 हो गई फिर 100 पे आ गई ठीक है। तो जब ये ज्योतिष शास्त्र लिखा था शायद मेरे को इतनी जानकारी नहीं है शायद शास्त्री जी को पता होगा 120 वर्षों का जो है वो सारा कुंडली में लिखा होता है ठीक है। तो हमारी जो आयु है वो इतनी मानी गई थी उसके बारे में उसका मान परिमाण जिस शास्त्र में है उस
तथा आयु का लक्षण जिसमें हो उसे हम क्या कहते हैं, आयुर्वेद कहते हैं। ये आयुर्वेद का लक्षण है। कोई आपके बारे में आपको पूछे कि आयुर्वेद की क्या डेफिनेशन है, तो आयुर्वेद की ये डेफिनेशन है, हिता हितम सुखम दुखम आयुस्ता से हिता हितम मानव चित्त चित्रोक्तम आयुर्वेद से। ये आप बोल दीजिए। तो अब आयु का लक्षण क्या है? आयु का लक्षण है शरीर जो है हमारा किन चीजों से बना है। एक मिनट आप होल्ड करिए, जरा कोई आया हो। हाँ जी, मैं दोबारा से आ गया हूँ, सुन रहे हैं ना? हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी सुन रहे हैं सर। तो शरीर जो है, शरीर इंद्रिय सत्वात्म संयोगे धारी जीवितम नित्यगश्च अनुबंधश्च पर्याय रायु चयते। चलो इसका मैं अर्थ बताता हूँ। शरीर जो है वो किन चीजों से बना है? पंचभूत जो है उनसे बना है। आत्मा का अधिष्ठान है इसमें, भौतिक इंद्रियां हैं, पंच ज्ञान इंद्रियां, पांच कर्म इंद्रियां, एक इंद्रिय मन है जो उभय इंद्रिय जिसे हम कहते हैं, ठीक है। सत्व ही उभय इंद्रिय मन हो गया, आत्मा जो है वो है, ठीक है। भोक्ता जीव और ईश्वर इनके संयोग का नाम आयु है। आयु का ये लक्षण है, आयु निरंतर चलने वाला होने से आयु कहलाता है। आयु अर्थात जीव के पर्यायवाची शब्द। आयु को धारी मतलब शरीर को क्या कहते हैं? धारी भी कहते हैं, जीवित भी कहते हैं, नित्यक भी कहते हैं, अनुबंध भी कहते हैं क्योंकि इसमें प्राण होते हैं अनुबंध, इसलिए इसको अनुबंध भी कहते हैं शरीर। ये आयुर्वेद सबसे अधिक श्रेष्ठ पुण्यजनक है। ये आयुर्वेद एलोक और परलोक दोनों के हितों को कहता है, ऐसा ज्ञानियों का मत है, ठीक है। तो ये आयु के बारे में हमने कहा, आयु के क्या है, आयु के लक्षण क्या है, आयुर्वेद के क्या लक्षण है, आयु के क्या लक्षण है, ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। सर मेरा एक क्वेश्चन है सर, जैसे हम कभी भी कहते हैं कि वेद कितने हैं, तो हम बोलते हैं चार वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, तो इसको वेद में कंसिडर क्यों नहीं करते? ये एक्चुअली में ये अथर्व वेद के अंदर ही आयुर्वेद का ना वो है एक्सप्लेनेशन। एक एक्चुअली सर 230 जो वेद है ना उसमें एक आयुर्वेद भी है। जैसे उपनिषद में देखा जाए तो आयुर्वेद का जिक्र होता है उपनिषद में, वेदांत में। हाँ, उपवेद एक्चुअली आयुर्वेद, आयुर्वेद अथर्ववेद का उपवेद है। हाँ जी हाँ जी, यही कहने लगा था मैं। अथर्ववेद के अंदर ही है, अथर्ववेद के अंदर जो उपवेद है ना वो आयुर्वेद, क्योंकि जो अथर्ववेद जो है ना वो उसमें वो भी है तांत्रिकी भी आ जाती है उसमें। चिकित्सा हमारी जो है तीन तरह की है, एक है देव्यपाश्र चिकित्सा, एक है युक्ति व्यपाश्र चिकित्सा, एक है सत्वज्ञ चिकित्सा। तो जो हमारी है जो आयुर्वेद है वो युक्ति व्यपाश्र चिकित्सा है। जो देव्यपाश्र चिकित्सा है ना, देवों की जो देव जिसमें की मंत्र है, मंत्रों की शक्ति भी है, जो हम कई कई मंत्रों से भी इलाज होता है, वो इसमें दिया था अथर्ववेद में, ठीक है। फिर उसमें जो पोर्शन सिर्फ मेडिसिन का लेके चले थे, ठीक है, जो युक्ति व प्राश्रय चिकित्सा है और सत्वावज्ञ चिकित्सा। सत्वावज्ञ यानी मन को जीतने, मनोरोग साइकोलॉजी, ठीक है। तो युक्ति व प्राश्रय और सत्वावज्ञ चिकित्सा जो थी, ये जो है चरक के अंदर, मतलब ये हमारे मेडिसिन में, ये आयुर्वेद में आ गई। जो देव्यपाश्र चिकित्सा वो आयुर्वेद में नहीं आती है, वो अथर्ववेद में आती है। और जो तांत्रिक जो है वो सारे तांत्रिक वगैरह जो है वो भी सारा इसमें जो है अथर्ववेद में आता है, ठीक है। हाँ जी, तो नेक्स्ट है पॉइंट, सबसे बेसिक पॉइंट जो शुरू होता है कि सामान्य और विशेष, ठीक है, ये क्या चीज है, ठीक है। तो इसका एक श्लोक है, ये भी बहुत ही पॉपुलर श्लोक है, सर्वदा सर्व भावना सामान्य वृद्धि कारणम। लिख लीजिए, आप लिखना चाहते हैं, सर्वदा सर्व भावना सामान्य वृद्धि कारणम, ह्रास हेतु विशेषश्च प्रवृत्ति रूभ्यस्य तु। अगर आपको नहीं भी है ना, आप नेट पे ये देख सकते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे तो मैं दिखा नहीं सकता, आप नेट पे अगर नेट कल से हम व्यवस्था कर लेंगे इसको दिखाने का भी। हाँ जी हाँ जी, ठीक है। सामान्य मेकत्व कर्म विशेषस्तु पृथकत्व कृत। अब क्या है ये सर्वदा सर्व भावना सामान्य वृद्धि कारण, इसको मैं पहले आपको। हाँ जी, कोई पूछना चाह रहा? नहीं नहीं, अच्छा। तो इसमें सिर्फ अर्थ लिख लेते हैं सर, हम सिर्फ अर्थ लिख लेते हैं। अर्थ, हाँ अर्थ लिख लो।
तो सर इसका सेकंड लाइन क्या था? ह्रास हेतु विशेषश्च, ह्रास हेतु विशेषश्च प्रवृत्ति रुभ्यस्य तु, ठीक है। तो ये क्या चीज है, इसको पहले इस सर्वदा सर्व भावना सामान्य वृद्धि कारणम ह्रास हेतु विशेषश्च प्रवृत्ति रुभ्यस्य तु, इसका क्या अर्थ है कि जो भाव सेम चीजों को बढ़ाने वाले, अपनी जैसी चीजों को बढ़ाने वाले हैं ना, वो सामान्य है, ठीक है ना। सामान्य का मतलब हम ऐसे कह सकते हैं कि जैसे हम सिंपल एग्जांपल, कोई कोई व्यक्ति वजन ज्यादा है उसका, ठीक है, उसका वजन क्यों ज्यादा, उसमें फैट इकट्ठी हो रही है। थोड़ा प्रैक्टिकली मैं आपको समझाता हूँ, फैट इकट्ठी हो रही है, इकट्ठी हो रही है उससे उसका वजन बढ़ गया। तो क्या चीज इकट्ठी हो रही है, फैट इकट्ठी हो रही है, ठीक है ना। अगर फैट को तोड़ने वाली कोई चीज हो कि उसको तोड़ रही है, वो क्या होगा, उसका शरीर कम होना शुरू हो जाएगा। जैसे बच्चा है, चलो इसे ये बहुत इजी एग्जांपल है, बच्चा है वो बढ़ रहा है, ग्रो कर रहा है, ठीक है ना। तो ग्रो कर रहा है, ठीक है, उसमें इकट्ठा हो रहा है कुछ, ठीक है ना, इकट्ठा होते होते वो ग्रो कर रहा है बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। फिर जैसे ही बुढ़ापा आता है, कम होना शुरू हो जाता है, ठीक है, डिक्रीजिंग हो जाता है, ठीक है। इसको हम जो अपने एलोपैथी से जरा आपको जरा इजी हो जाएगा, एक होता है मेटाबॉलिज्म, जिसे हम कहते हैं चयापचय क्रियाएं, जो हमारे शरीर के अंदर कोई चीज बढ़ रही है, कोई चीज कम हो रही है, ठीक है। कोई चीज क्यों बढ़ रही है, सामान्य कारण है उसमें, ठीक है ना, कोई एक चीज इकट्ठी कर रही है, इसलिए वो कारण है जिससे वो चीज बढ़ रही है, जिसे हम एनाबॉलिज्म भी कहते हैं। कोई चीज कम हो रही है शरीर के अंदर, तो उसको हम कहेंगे कैटाबॉलिज्म, वो विशेष है। विशेष क्या करता है, चीज को कम करता है, कारण है जो पृथक करता है, उसको अलग करता है। सामान्य जो है वो क्या कर रहा है, चीज को इकट्ठा कर रहा है, बढ़ता रहा है। सर्वदा सर्व भावना, भावों को एक जैसे करने वाला जो कारण है वो सामान्य है, भावों को तोड़ने वाला जो कारण है वो विशेष। आप समझ पा रहे हो इसको कि नहीं? जी 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 जी, ठीक है ना। तो और एग्जांपल ऑड मैन आउट है, जैसे हम कहते हैं ना सारे एक जैसे हैं, जिसमें ऑड मैन आउट, जो एक जैसे हैं वो सामान्य है, जो एक जैसा नहीं है वो ऑड मैन आउट होगा, वो विशेष है, ठीक है। तो ये एक दूसरे के ऑपोजिट है, ठीक है। शरीर में जैसे कोई चीज, जैसे कफ है, शरीर में कफ बढ़ रहा है, तो वो कफ को सामान्यता कफ को बढ़ा रहा है। बात क्या है, ठीक है, कोई चीज उसको कम कर रही है तो वो उसके ऑपोजिट है, ठीक है ना। तो यही हमारे शरीर में चल रहा है, कोई चीज बढ़ रही, कोई चीज कम हो रही है, कोई चीज बढ़ रही है, कोई चीज कम हो रही है। यही हमारा सारा बेस भी जो है ना, सारी जितनी भी हमारी प्रैक्टिस का बेस है वो यही है कि कोई चीज सामान्य ज्यादा है उसको विशेष कर दो, बढ़ी हुई है कम कर दो, कोई चीज कम हुई बढ़ी है उसको बढ़ा दो। करना क्या है, हमने दोषों का बैलेंस करना है। दोषों का बेसिक मैंने आपको कल भी बताया था, बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, दोष एक्चुअली पंच भौतिकी है, पंच महाभूत है, किसी में वायु, किसी में अग्नि, किसी में तेज, किसी में जल, किसी में पृथ्वी। जिसमें पार्थिव भाव बड़ा है तो वहां से क्या कर दो, जो है वायु भाव बढ़ा दो, पार्थिव भाव कम होना शुरू हो जाएगा। ये इवन की हमारे जो द्रव्य है, जो प्लांट्स की हमारी जो थ्योरी है वो भी उसके बीच में है कि ये वाला प्लांट क्या करता है, ये वाला प्लांट जो है वो कम, जैसे करेला है। अब हम रसों के ऊपर आगे आएंगे, मधुर, हमारे छह प्रकार के रस है, मधुर अम्ल कटु, मधुर अम्ल लवण, तिक्त कटुकुश है, ऐसे है। जो ऊपर वाले मधुर अम्ल लवण है वो बढ़ाने वाले हैं, तिक्त कटुकुश है घटाने वाले हैं, ठीक है। तो जिसको शुगर की तकलीफ है, ये एग्जाम्पल बता रहा हूँ, ये मैं प्रैक्टिकल बात आपको साथ में इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको समझ लग जाए बात का। इस पर जो क्या कहते हैं, मधुर अम्ल, जैसे मधुर अम्ल, मधुर चीजें खाएंगे, अम्ल या ऐसी चीजें खाएंगे तो क्या होगा, शुगर बढ़ेगी, डायबिटीज होगी, ठीक है। तो इसको तोड़ने के लिए कटुतिक्त कषाय औषधियां हम देंगे, कटुतिक्त कषाय जैसे करेला है, जामुन है, नीम है, ये सब क्या है, ये कटुतिक्त औषधियां हैं, ये उसको तोड़ेंगी, ठीक है। वो सामान्य बढ़ा रहा था, इसमें विशेष डाल दिया कि भी उसको कम करे। तो ये अर्थ है यहाँ पे, सर्वदा सर्व भावना सामान्य वृद्धि कारणम ह्रास हेतु विशेषश्च प्रवृत्ति रूपेण, ठीक है।
तो इसका पढ़ सकते हैं, सब पदार्थों का सब कालों में समान समान गुण आदि धर्म ही वृत्ति का कारण होता है और विशेष अर्थात विभेद या विपरीत होना ही ह्रास का कारण होता है, कम कर देता है। दोनों का शरीर के साथ संबंध सब पदार्थों की वृद्धि और ह्रास का कारण है। सब कालों में शरीर के अंदर दोनों ही धर्म रह सकते हैं, इसलिए शरीर में वृद्धि और क्षय शरीर का बनना, जिसको कि इंग्लिश में उन्होंने साथ में बता दिया कि मेटाबॉलिज्म, और शरीर का टूटना जिसको कि कैटाबॉलिज्म, दोनों क्रियाएं हर समय होती रहती है हमारे शरीर में, ठीक है। मेटाबॉलिज्म भी होती रहती है, कैटाबॉलिज्म भी होती रहती है, हर समय रहती है ये, इसी को ही हमने ठीक करना, यही हमारा जो है मेन। देखो सबसे पहली लाइन, और देखो चरक जी ने सबसे पहले देखो यही बताया हुआ कैसे हम देखो प्रैक्टिकल सेंस देखो कितनी है, ठीक है। फिर आगे क्या है ये इसके बारे में, शरीर के बारे में सर्वदा सर्वभावना इसके बारे में। फिर आगे है सत्व मन चेतना और शरीर, इन तीनों से बने हुए वो लोक कहते हैं, हमारे शरीर को क्या कहते हैं, लोक कहते हैं। ये तीनों मिलकर त्रिकंठ की या तिपाई की तरह लोक को धारण किए, क्या है सत्व आत्मा और शरीर। सत्व क्या है, हमारा मन है, आत्मा हमारी आत्मा हो गई, चेतना जिसे, और शरीर, ठीक है। इनको क्या कहते हैं, त्रिलोक, इनका नाम दिया त्रिलोक। ये क्वेश्चन खैर ये हमारे लिए आता था क्वेश्चन, इसकी प्रैक्टिकल यूटिलिटी चलो हम समझने के लिए आपके लिए, फिर कई बार पूछ लेते हैं त्रिलोक किसे कहते हैं, त्रिसूत्र किसे कहते हैं, त्रिदंड किसे कहते हैं, ये हमारे लिए था। चलो सत्व आत्मा और शरीर। सत्व कहते हैं मन को, जो हमारा मन है, आत्मा जो है हमारी आत्मा है, शरीर जो है ये पंच भौतिक संगठन जो शरीर है, ठीक है, इसको हम कहते हैं त्रिलोक, ठीक है। आकाश आकाश ये हेलो आशु जी का था और चले गए वो, कोई बात नहीं, शुरू आप करिए करिए। हाँ चलो बस इतना ही एक लाइन बस, इसमें एक ही बात मैंने और कहनी है, जो ये त्रिलोक है, त्रिलोक में इसने बताया कि जो शरीर है, शरीर क्या है, ये पंच भौतिक है, ये हमको पता है, बस ये बात इन्होंने बताई है। बाकी का शास्त्री जी कल कर लें हम। हाँ जी हाँ जी, बाकी कल कर लेते, ठीक है। बहुत अच्छा लगा आपके आज का लेक्चर, इसी तरह से बने रहते हैं, बहुत अच्छा लगा। और कल से हम प्रयास करेंगे कि इस क्लास को ना, जैसे अगर आपके पास लैपटॉप हो सामने लैपटॉप में, और जैसे इसमें आपने क्या किया, स्क्रीन को शेयर किया, उसके बाद पास दिखा दिखा करके फिर उसमें ना श्लोक सब लोग लिख लेंगे उसमें, ऐसा अगर संभव हो सके तो। चलो लैपटॉप तो बच्चों के पास कंप्यूटर होता है, पर वो घर की बात। सर जी स्क्रीन शेयर आप अपने यहाँ से कर लीजिए। नहीं तो मैं यहाँ से कर लेता हूँ, चलिए डॉक्टर साहब मैं यहाँ से स्क्रीन शेयर कर लूंगा, आप उसको देख देख के पढ़ा लेना, चलिए वो भी एक अच्छी बात। हेलो हाँ जी हाँ जी, अरे कल आप कौन सा चैप्टर पढ़ाएंगे अपन, कल उसकी दिन में मैं उसकी स्टडी कर लेता हूँ मेरे हिसाब से। चैप्टर अभी यही चलेगा, अभी तो ये चैप्टर बहुत लंबा है अभी तो। हरिशंकर जी अभी क्या है कि अभी चरक संगीता के जो प्रारंभिक जो उसकी जो उसकी जो है ना उसकी एक प्रकार से ऐसे बातें किया जा रहा है कि चरक संगीता क्या है, कौन कौन इसमें जो ऋषि मुनि थे वो शामिल थे, उसके जो प्रारंभिक जो विषय और बातें हैं वो आज डॉक्टर साहब ने कहा, कल और परसों दो तीन दिन तक ऐसा ही रहेगा, उसके बाद फिर हम प्रवेश में अंदर चले जाएंगे क्लास उसके सब्जेक्ट के अंदर, है ना डॉक्टर साहब जी। हाँ जी हाँ जी, ठीक है, ठीक है जी, जी। हाँ नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद, कोई बात नहीं, कल फिर उसी समय में टाइम में सभी लोग मिलेंगे और इसी तरह से चरक संगीता का आनंद लेंगे, और इसके साथ साथ दूसरे दूसरे जो ग्रंथ है उसको भी कोट करते हुए डॉक्टर साहब आप लोगों को समझाएंगे एलोपैथिक की पॉइंट ऑफ व्यू से, आयुर्वेदिक पॉइंट ऑफ व्यू से, और आज के समय में किस तरह से उसको लेकर के जाना है ट्रीटमेंट करना। एक बात मैं कहूंगा मेरे जितने भी मेरे जो हैं सारे साथी, कि आज से इतने ये तो युगों से ये आयुर्वेद चला आ रहा है, सिर्फ फर्क क्या है, सिर्फ टर्मिनोलॉजी का फर्क है। अब पंच भौतिक संगठन पे बातें होती थी,
अब बातें जो है नई टर्म्स निकल आई है, चीजें वही हैं, फर्क कहाँ पे है? फर्क है ट्रीटमेंट पे, ठीक है। एलोपैथी वालों ने ट्रीटमेंट क्या कर दी, सारी गड़बड़ा दी, केमिकल ले आए, ठीक है। तो जो हमारे ऋषि मुनि थे बहुत सही था, उन्होंने कहा कि जब शरीर ही पंच भौतिक है तो ये सारी सृष्टि भी पंच भौतिक है, तो वहीं से लेकर अपना जो है सर्वदा सर्वभावना सामान्य वृद्धि कारण ह्रास ऋतु विशेष करो, ठीक है, शरीर को सही करो, नॉर्मलाइज करो, क्या जरूरत पड़ी है आम को केमिकल डाल के वो सारे साइड इफेक्ट होने शुरू हो गए। टर्मिनोलॉजी से ये है, हमारा एलोपैथिक से सिर्फ हमको कि आयुर्वेद को समझने के लिए थोड़ा सा मॉडर्न मेडिसिन से जब हम कंपेयर करते हैं ना तो जरा जल्दी समझ लग जाती है। ऐसे कई बार हमारी बुद्धि इतनी है ही नहीं, उनकी तो बुद्धि बड़ी थी, उन्होंने तो समझ ही लिया अंदर ही, ब्रह्म ज्ञानी भी थे जी जी। हमारी बुद्धि थोड़ी सी प्रैक्टिकल है, ठीक है ना जी। तो इसको समझने के लिए थोड़ा सा कंपैरिजन मैं करता रहूंगा जहां बहुत अच्छी बात है, अच्छी बात है। और इसमें डॉक्टर साहब जैसे कि डायग्नोस करने का बहुत सारे सिद्धांत, बहुत सारे तरीका में एक ये भी है कि मान लो कि आपके सामने कोई रिपोर्ट आ गई, आजकल तो अब जैसे रिपोर्ट MRI है, EEG है, CT स्कैन है, या जो डायबिटीज के जो ये सारे जो रिपोर्ट को देख करके हम कैसे उसको उस रिपोर्ट से हम आयुर्वेदिक टर्मिनोलॉजी में उसको हम लेकर के जाए। बिल्कुल, यही तो पंडित जी, यही तो मेन चीज है। हाँ, ये आपको आती है तजुर्बे से। हाँ, जैसे आजकल हम रिपोर्ट देखते हैं, सब कुछ करते हैं, हमारी सोच फटाफट आयुर्वेद की तरफ चली जाती बस, है बस वो यही सबसे बड़ी आज के समय में, क्योंकि एलोपैथिक ने जो कुछ लिया लेकर के आया है तो वहां से भी तो हमें बेनिफिट लेना है ना। बिल्कुल लेना है, हमने उनसे बेनिफिट लेके अपनी पैथी को सही करना। बस 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 यही अच्छी चीज है, और आपसे हम यही उम्मीद रखेंगे कि इन सारी चीजों को भी हम समझने का प्रयास करें। यहाँ बहुत सारे इस तरह के स्टूडेंट है जो कि बेसिक लेवल से आ रहे हैं, तो इन सब के लिए भी ये बेनिफिट होने वाला होगा। ठीक है पंडित जी, ठीक है, कोई है, जितना मैं कर सकूंगा, जितना मुझे मालूम है अपनी तरफ से मैं पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, प्रणाम। चलिए आप सब के लिए भी हाँ जी शुभ रात्रि, आज फिर कल सही टाइम में 8 बजे मिलेंगे आप सभी लोग। हाँ जी, चलिए, अरे आप बड़े मुस्कुराता हुआ चेहरा बड़ा खूबसूरत लग रहा है। चलो ये भी हम कह सकते हैं आयुर्वेद, हम आपको खाली देखते भी रहेंगे तो चलेगा। आपका क्लिनिक कहाँ पे है सर? जी मैं जलंधर में रहता हूँ सर, जलंधर में है। वैसे मैं गवर्नमेंट जॉब में भी हूँ, मॉर्निंग गवर्नमेंट जॉब करता हूँ, शाम का जी आपको धन्यवाद रहेगा हमेशा। ठीक है जी, अच्छा जी, जी 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 धन्यवाद जी, जी धन्यवाद सर। हाँ जी, दिलीप कुमार जी चले गए क्या? तो अच्छा हाँ, तो अब इनसे ना रोज हम इसी तरह से आप सब अपन सब लोग बैठेंगे यहाँ पर, एक आपस में डिस्कस करेंगे, चरक संहिता को आधार बनाएंगे, उसके बाद हम विस्तृत तरीके से आयुर्वेद को समझेंगे। जी जी, क्या कहते हरिशंकर जी? बिल्कुल सही सर। ये पता है क्या हमारे लिए ना एक, क्योंकि लंबे समय से हमने चरक संहिता पढ़ा नहीं है, अभी ना हमारा रिपीट नहीं हुआ है, तो ये अभी बहुत दिमाग में भी बैठेगा इस चीज से, क्योंकि पढ़ते हुए जब हम आगे बढ़ते हैं तो पीछे के जो बुक्स है वो सारे पीछे रह जाती है फिर। इवन पंडित जी बहुत दिन हो गया पढ़े हुए। हाँ, मतलब पढ़ने के बाद उसको रिपीटेशन किए हुए काफी दिन हो गया। हाँ, तो ये एक जरिया बनेगा रिपीटेशन करने का। यहाँ से हम चरक संहिता हो गया, अष्टांग हृदय हो गया, पॉजिटिव बात है ये। हाँ जी, गोपाल साहू जी को कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं? गौरव जी ऐसा ही आप बीच में ना आप सवाल पूछते रहिए, अच्छी बात है। सवाल पूछने से क्या होता है कि उसमें बीच में से बहुत सारे बातें निकल के सामने आती है। जी सर जी,
सैफी जी कुछ कह रहे थे आप। हाँ सर, मैं ये कुछ पूछना चाह रहा था सर। हाँ ये सर, छह रस लिखे हुए हैं चरक संहिता के अंदर, तो सर मधुर अम्ल मधुर अम्ल लवण कटु तिक्त कषाय मधुर अम्ल लवण कटु तिक्त और कषाय रस। हाँ तो ये तिक्त कौन सा रस होता है? हाँ किन चीजों में पाया जाता है तिक्त, कौन सा रस होता है, किन चीजों में पाया जाता है? अरे भाई, अरे भाई, मिर्ची मिर्ची कौन सी मिर्च? काली मिर्च या लाल मिर्च? तिक्त मतलब तीखा है ना? नहीं, तिक्त का मतलब होता है कड़वा। कड़वा अरे कट्टू है वो, तिक्त माना तीखा हो गया, और वो लाल मिर्ची है। काली मिर्ची लाल नहीं है, अलग है दोनों में। ऐसा है कि तिक्त का मतलब होता है कड़वा जी, तिक्त यानी तीता। हाँ। तीता को जो तिक्त जो शब्द है ना, देखो मधुर अम्ल लवण, मधुर अम्ल और लवण, मतलब ये स्पाइसी बोल रहा था। चटुआ रस जो है, पांच नाम तो इन्होंने ले दिया। जो कटु है ना, कटु द्रव्य में आता है मिर्च। वैसे जो देखो ऐसा है, शब्द के फेर है कुछ। जो तिक्त जो शब्द है ना, वो तिक्त के मतलब तीखा के करके लगा लेते हैं ना कुछ लोग। लेकिन जो तिक्त जो होता है वो कड़वा होता है। जैसे करेला है, वो तिक्त रस है। तिक्त रस जो होता है वो पित्त को समन करता है, कफ को समन करता है। वो उसका जो विपाक होता है, हाँ जी, ये तिक्त के अंदर दे दिया आपने, करेला हाँ, ये सभी तिक्त हो गया। कटु में पिपली आ गया, काली मिर्च आ गया, सौंठ आ गया, ये सारी चीजें कटु हो गया। हाँ चलिए, कोई बात नहीं। एक्चुअली क्या है ना, जो नमक को कहते हैं। हाँ जी, लवण नमक को कहते हैं। हाँ और अम्ल खट्टे को कहते हैं। हाँ अम्ल तो खट्टा हो गया ना। मधुर अम्ल लवण कटु तिक्त कषाय। सर ये कषाय कौन से रस होते हैं? कषाय आपका जामुन हो गया। आंवला 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 हरड़। हाँ ये हरड़ हो गए। आंवला है, हरड़, जामु। हाँ जामरू सिद्ध जामु। हाँ जामुन का जो दाना है वो कसैला है। वो कषाय बोलते, कसेला कषाय है, कषाय। ठीक है, तो सभा बर्खास्त। हाँ जी चलिए, जी चलिए ठीक है। हाँ सभी को शुभ रात्रि, कल फिर हम लोग 8 बजे मिलेंगे। जय हो पंडित जी, जय हो प्रणाम जी, शुभ रात्रि। शुभ रात्रि सर, शुभ रात्रि। गुड नाइट सर, गुड नाइट सर, गुड नाइट सर। साला